जानता हूं आदरणीय सभापति जी, यहां कुछ ऐसे विद्वान है जो ये मानते हैं कि इसमें क्या है, ये तो होने ही वाला है, ये तो अपने आप तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है, ये तो अपने आप हो ही जाएगा, ऐसे विद्वान है। अब ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑटो पायलट मोड पर सरकार चलाने का, या तो रिमोट पायलट पर सरकार चलाने का उनको आदि है, इसलिए वो कुछ करना धरने में विश्वास नहीं करते, वो कुछ करने धरने में विश्वास नहीं करते, वो इंतजार करना जानते हैं। लेकिन हम परिश्रम में कोई कमी नहीं रखते, कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में एक बार किसानों की कर्ज माफी की बहुत डोल पीटे गए और एक बढ़ चढ़ करके बातें बता करके किसानों को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया गया था। और 60,000 करोड़ की कर्ज माफी, उसका इतना हल्ला मचाया, इतना हल्ला मचाया था, और एक अनुमान था कि उसके लाभार्थी शरीफ देश के 3 करोड़ किसान थे, सामान्य गरीब छोटे किसान का तो उसमें नामो निशान नहीं था, जिसको सबसे जरूरत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवाह नहीं थी और उन तक कोई लाभ पहुंच भी नहीं पाया था। लेकिन आदरणीय सभापति जी, जब किसान कल्याण हमारी सरकार के हृदय में केंद्र में हो तो नीतियां कैसी बनती हैं, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है, उसका मैं इस सदन को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना का और ये आचरण सही नहीं है। 10 करोड़ किसानों को हुआ, असंसदीय आचरण की भर्त्सना करता हूँ। मैं आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। 3 लाख करोड़ रुपए टू टेक देयर सीट्स। मैं हम किसानों को देख करता हूं कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये आचरण सही नहीं है। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं, इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने
हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है, 6 दशक के बाद। मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउस ऑफ एल्डर्स, दी अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है, मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे हाथ होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो, जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई, हर सदस्य को मौका दिया गया। इट इज एन ओकेजन, चैलेंज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने भारत के संविधान को चुनौती, आउटरेज, उन्होंने द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की भावना को आहत किया है। जो शपथ ली थी, मैं इस कुर्सी पर बैठकर इतना दुखी हूं कि भारत के संविधान का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मजाक। भारत का संविधान हाथ में रखने की किताब नहीं है, जीने की किताब है। मैं आशा करता हूं कि वो आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने दिल को टटोलेंगे और कर्तव्य पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी,